स्वामी जी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, मुंह, फूट पाइप, रेस्पिरेटरी ट्रैक, फेफड़े को तो खराब करते ही हैं। देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, सांस फूल जाए बोलते बोलते। लेकिन स्वामी जी लिवर किडनी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, साथ ही में अल्कोहल को अगर इसमें और इंक्लूड कर दें तो ये भी कम घातक नहीं है। लोग अल्कोहल के साथ साथ एक एक कश जो है सिगरेट का लेते चलते हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ नेचुरल और आयुर्वेदिक उपाय क्या अपनाए जाएं? पहले तो मैं मुंडूकासन कर रहा था, ये योग मुद्रा सर, श्वास को बाहर छोड़ दिया और मूल बंद उड्यान बंद के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ अथवा कपाल भाती के साथ योग मुद्रासन करें। और बहुत सहज है पवन मुक्तासन। ये पवन मुक्तासन ना, इससे अप्रतिम लाभ होता है। लीवर, स्प्रीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, सबके लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये पवन मुक्तासन। पंजे नीचे दबे हुए, एड़ियाँ कुल्ले के ऊपर ऐसे लग जाती है और हाथ ऐसे रहते हैं, देखो ऐसे। एक तो पवन मुक्तासन और एक ये सेतुपद, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ईजी भी है, कोई भी इनको कर सकते हैं ऐसे। एक अब देखो, ये पवन मुक्तासन उत्तान पादासन के अलावा नौकासन, सेतुबंध, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन भी बताएंगे। जो कर सकेंगे उनसे हम सर्वांगासन और शीर्षासन भी करवाएंगे। और साथ में पाचन के लिए ना अनार, सेव, पपीता, मल्टीग्रेन दलिया, जौ का दलिया, सुबह सुबह उठ करके अंकुरित। और जिनका लीवर बहुत ही गड़बड़ हो गया, खून की कमी हो गई, शरीर में कमजोरी बहुत है, अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा ले लें। और सर्वकल्प कायाकल्प, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, फैटी लीवर हो गया, बहुत दिक्कत है, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा अप्रतिम। और पाचन तंत्र बहुत ही गड़बड़ हो गया है तो लीवोग्रिट और लीवामृत तो परम औषधि हैं। इसके ऊपर पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हम कर चुके हैं और जिनके पाचन तंत्र लीवर से लेकर के आंतों से लेकर के पूरा कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, फास्ट फिसर, फिस्टूला, भूख नहीं लगना, गैस बनना, सब चीज़ों के लिए लीवोग्रिट बड़ा ज़बरदस्त है। तो जो कर सके वो उत्तान पादासन, नौकासन जैसे मैंने कहा, और पादागुष्ठ नासास प्रशासन कर ले, और शीर्षासन सर्वांगासन करने वालों को तो कभी बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती, बड़ी बात ही है ये। और यदि कोई कर सके ना तो थोड़ा संतुलन तो बनाना पड़ता है। फिर शीर्षासन तो अप्रतिम है, अब इसमें तो पूरा मूल बंद भी लग जाता है, उड़ियान बंद भी लग जाता है और पेट पूरा अंदर धस जाता है। ये लो, अप्रतिम है। और ये ना होना किसी से तो कोई बात नहीं, बटरफ्लाई से सिर्फ बात कर लो, कुछ सोचेंगे इतना कठिन कठिन योग बता दिया। और जो है इतना ना हो तो कोई बात नहीं, खाली भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करने से, मैं बार बार कहता हूँ अमित भाई जी, प्राणायाम से ही 99% बीमारियों का समाधान हो जाता, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और अपनी आत्मा में तो अपरिमित, अनंत, असीम, अथाह, अनलिमिटेड नॉलेज है, ज्ञान है, प्रतिभा है, ऊर्जा है, अपने भीतर संवेदनाएं हैं, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, पिंड में सारा ब्रह्मांड है जी। आंखें बंद करके, अंतर्मुखी होकर के गुरु भगवान की शरणागति में, मई ओमनाधत् सौमय बुद्धि निवेश या निवेश भई अव अत ऊर्धम ने संशया सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तभी। अच्छा, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, अपने पूर्वजों को याद करो, गौतम, कणाद, जमुनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद को, कितने महान थे अपने पूर्वज, उन ऋषियों के हम संतान हैं। तो अपने डीएनए में देखो, हमारे जो जीन्स है ना, डीएनए है ना, हमारे जो सेल्स की मेमोरी है ना, उसमें नशा नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज वो प्रकृति के अंग संग रहते थे
और योग का अमृत, भगवान की भक्ति का अमृत, ज्ञान का अमृत पी करके तृप्त रहा करते थे। ये विषयों का विषपान और धूम्रपान और मद्यपान आदि नहीं किया करते थे। कोई सुरापान के नाम पर आयुर्वेद को भी बदनाम करते, ये ठीक रही है? हाँ, उनका द्राक्षा सो पी सकते हैं। ये पाचन तंत्र के लिए, जिनके अंदर खून की कमी है, जिनको नींद नहीं आती, कुछ लोग बहाना बनाते हैं अमित भाई की नींद नहीं आती बिना दारू पिए, बिना वाइन पिए, तो जो नींद का बहाना लेकर के जो पीते हैं ना, तो मैं उनसे कहूँगा ये आधा कप ले लेना अधिकतम, फिर धीरे धीरे और कम हो जाएगा। आधा कप द्राक्षा सब ले लेना, पोस्त दाना या मखाना हम सबको उपलब्ध कराते उसकी, अथवा दोपहर शाम एक बार प्याज थोड़ा सा खा लेना, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लेना, नींद तो अपने आप ही आ जाती है। और ईश्वर प्रणिधान, भगवान की शरणागति में जैसे एक बालक माँ की गोद में सोता है, ऐसे प्रातः प्रभृति सायं अंतः यत करोमि जगन माता तत् सर्वं तव पूज्यम। जी मेरे भाई अमित, तो अपने आप ही नींद आ जाती है। बिल्कुल, परिश्रम कर ले तो वैसे बहुत अच्छी नींद आती है, इससे ज्यादा गिन के देखा नहीं हमने। बिल्कुल स्वामी जी, वैसे तो कहते हैं ना कि नशा ही अगर करना है तो जो जीवन का नशा है, जीने का जो नशा है, उससे बड़ा तो कोई नशा हो ही नहीं सकता है। उसको लोगों की आदत डालनी चाहिए, और जिनको नशे की आदत है उनके लिए कई बार हालात ऐसे भी बन जाते हैं स्वामी जी कि योग करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि उनका जो दिमाग ब्लॉक रहता है और पूरा का पूरा ध्यान उस नशे की ओर रहता है। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही, कुछ के तो हाथ कांपने लग जाते हैं, तो उनको तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरो ग्रिड, सिबकथोन या ओमेगा, और ये जो गाय का घी है ना, इसको नाक में डाले भी, ब्राह्मी घृत और ही अच्छा है, ब्राह्मी घृत या गाय का घी नाक में डाले, इसका नशे भी करे, इसके दिमाग पर थोड़ा सा मालिश भी कर ले, बहुत ज़बरदस्त फायदा, ये सारा कंपन बंद हो जाता है। आज ही सुबह एक बच्चा आया था, पूरा कांपता था उसका शरीर, अभी वो 15-16 साल से योग कर रहा है, तो उससे कंपन से भी बाहर निकल, शराब से भी लोगों के हाथ शरीर कांपने लगता है। और जिनका दिमाग पूरा ब्लॉक हो गया वो भी ठीक हो जाएगा, जो हमने मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, मेधा क्वाथ, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ये पी लिया करें। और द्राक्षा सौ तो सबके लिए, ये दिमाग के लिए भी है, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी है, पाचन तंत्र के लिए भी, और नींद भी अच्छी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है ना, अनुलोम विलोम करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है, लगभग 4 से 5 सेकेंड में लेना, 4 से 5 सेकंड में छोड़ना, आराम आराम से करें, ब्राह्मरी उद्गीत करें, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो ऐसे ओंकार गायत्री मंत्र का ध्यान करने से अपने आप ही नशे की तरफ मन ही नहीं होता, उससे मन हट जाता है। जैसे आप कह रहे थे ना, हमेशा उधर ही चित्त उधर नशे में ही लगा रहता है, तो ऐसे ही चित्त हमेशा गुरु में, भगवान में, सत्कर्म में लगा रहेगा, सात्विकता में मन रहेगा, उधर मन जाएगा ही नहीं मेरे भाई अमित जी। तो इसलिए प्राणायाम को ज्यादा करना चाहिए, मेरा अनुभव है करोड़ों लोगों पर, बिल्कुल स्वामी जी, योग किया रोग मुक्त हुए, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को हमने नशा मुक्त भी किया है मेरे भाई। देखिए, आपने तो सही राह दिखा दी, उम्मीद करते हैं लोग आपकी इस राह पर चलेंगे और नशे से दूर रहेंगे। We'll be right back.